ओम शांति। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे और भ्रिकुटि के मध्य स्वयं को देखेंगे। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, मणि की तरह चमक रही हूं। मैं आत्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, और मेरे पिता स्वयं परम पिता परमात्मा शिव हैं। मैं कितनी ना कितनी पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, जो बाबा मुझे इस संगम युग पर मुझे अपना बच्चा बनाते हैं और टीचर बनकर पढ़ाते हैं और सद्गुरु के रूप में मुझे मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। ऐसे प्यारे मीठे बाबा को मैं कितना ना प्यार से याद करूं। इतनी करोड़ों आत्माओं में से मैं आत्मा बाबा के द्वारा चुनी हुई कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्मा हूं। इसी नशे में और निश्चय में अभी हम चलते हैं अपने प्यारे मीठे बाबा के साथ मंगल मिलन मनाने परम धाम में। इस साकार दुनिया से दूर, अव्यक्त दुनिया से भी पार परम धाम में, अपने प्यारे मीठे घर में, जहां चारों तरफ सुनहरा लाल रंग का प्रकाश ही प्रकाश है, सुख और शांति है, ऐसी दुनिया में मैं अपने पिता के पास बैठ जाती हूँ, बिल्कुल उनके सन्मुख, और बाबा के आती हुई किरणें अपने अंदर भरते हुए देख रही हूं। कितना अलौकिक मिलन है, कितना प्यारा मिलन है। यह मिलन पूरे कल्प में सिर्फ और सिर्फ इस टाइम कर सकते हैं, इस संगम युग पर। कितना अनोखा और अद्भुत मिलन है। हम सतयुग और त्रेता में भी अपने घर को, अपने पिता को, अपने को भूल जाएंगे। सिर्फ ये थोड़ा सा टाइम जिसमें बाबा हमें दिव्य बुद्धि प्रदान करते हैं, हम आदि मध्य अंत को जानते हैं, और अपने प्यारे मीठे बाबा के साथ बहुत प्यार से रू रिहान करते हैं। यह दिन, यह पल सतयुग से भी ज्यादा बहुत बहुत
मूल्यवान दिन है। कितना सुख और शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा अपने प्यारे बाबा की से आती हुई किरणों में बिल्कुल पास में उसमें भरपूर होती जा रही हूँ। और महसूस कर रही हूँ पवित्र किरणों को अपने अंदर भरते हुए। और मैं आत्मा अपने बाप के समान पवित्र बनती जा रही हूँ। ऑलमाइटी से आती हुई किरणों से मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही हूँ। चारों तरफ शांति ही शांति है। मैं आत्मा भी शांत स्वरूप बनती जा रही हूँ। ऐसे मैं अपने मीठे बाबा से स्नेह शक्तियां गुण पवित्रता और सभी खजानों को भरते हुए अब मैं चलती हूँ नीचे साकार वतन। इस साकार वतन में साकार शरीर के अंदर भृकुटी के बीच में आकर बैठ जाती हूँ। अब मैं आत्मा जो गुण और शक्तियों को बाबा से भर कर लाई उन सबको चारों तरफ फैलाती हूँ। उन्हीं शक्तियों को महसूस करते हुए आत्मिक स्थिति में प्यारे बाबा के जो महावाक्य हैं उसको हम पढ़ेंगे और सुनेंगे। जैसे कि हम ओम शांति भवन में बाबा के सन्मुख बैठकर सुन रहे हैं, ऐसा महसूस करेंगे। ओम शांति। आज की मुरली है 23/11/1979 Part 2। इसका टाइटल है नम्रता रूपी कवच द्वारा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति। और आज हम पढ़ेंगे अपने को विषय परिवर्तन के निमित्त समझो। आज बाबा ने
जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, इसमें बाबा ने बताया है कि हर कोई अपने को निमित्त समझे, और जैसे हमारा स्लोगन है कि स्वयं बदलेंगे तो विश्व बदलेगा, तो ऐसा हमें स्वयं को भी बताना है जैसे हम दूसरों को बताते हैं। और फिर संस्कार, कैसे हम विषय परिवर्तन करें, उसके लिए क्या क्या चाहिए, ना समाने की शक्ति चाहिए, व्यर्थ का नामो निशान ना हो, और दूसरों के संस्कारों का हमारे ऊपर प्रभाव ना हो, इसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। संस्कार भिन्न भिन्न होंगे पर उसके टक्कर में ना आए, बल्कि हमें उनको यह समझ कर कि ये परवश हैं, रहम की दृष्टि से परिवर्तन करना है, और दूसरों की विशेषताओं को देखना है, कमियों को छोड़ना है। तो ऐसे बाबा ने हमें इस मुरली में हमें सिखाया है। अभी हम सुनते हैं। अपने को विषय परिवर्तन के निमित्त समझो। हर एक समझे कि मैं निमित्त हूँ। जैसे भाषण में सुनाते हो ना कि अपने को बदलो तो विषय बदल जाएगा। बाबा कहते यह बात स्वयं के लिए भी है ना, जैसे हम दूसरों को बोलते हैं ना कि स्वयं बदलेंगे तो विषय बदलेगा, ऐसे हमें स्वयं को भी बताना है। दूसरे की गलती को देख, स्वयं गलती ना करो। दूसरे की गलती देखने में आती है, लेकिन मैं भी गलती कर रही हूँ, वह दिखाई नहीं पड़ती। इसके लिए बाबा क्या बोलते हैं, एक बार दूर का चश्मा क्या है हमारा, ठीक है, और नजदीक का चश्मा खराब है, यानी कि हमें स्वयं की गलतियां नहीं दिखती हैं, दूसरों के फट दिख जाती हैं। तो बाबा कहते हैं कि समझो एक गलत बोल रहा है, लेकिन उसके संग के रंग में खुद भी गलत बोलते हैं, तो संग के रंग का असर हो गया ना। एक गलत बोले तो हमें नहीं गलत बोलना, बाबा कहते। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें, उसके संग के प्रभाव में ना आए। भल दूसरा कोई गलती करता है तो हमें क्या करना है, उसके प्रभाव में नहीं आना। प्रभाव में आने के कारण अलबेले हो जाते हो, तो इस बात में पांडव आगे जाएंगे या शक्तियां, बाबा पूछ रहे हैं कि इसके प्रभाव में ना आए तो इस चीज में पांडव आगे जाएंगे या शक्तियां। सिर्फ एक जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूंगी। बाबा कहते ये पक्का पक्का रख लो अपने अंदर, ये मुझे जिम्मेवार बनना है इस बात में कि मैं तो क्या है, राइट के मार्ग पर ही रहूंगी, रॉन्ग को देखकर रॉन्ग नहीं। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज करो। दूसरा रॉन्ग करे तो बाबा कहते उस समय क्या करो, समाने की शक्ति यूज करो। कैसे यूज करो, अगर यही संकल्प हरेक कर ले तो विषय का परिवर्तन सहज ही हो जाएगा। समाने की शक्ति, जैसे हम किसी को ना बातें पिलाएं तो दूसरा गलत कर रहा है, तो हम आगे बढ़ते जाएं, राइट रहें, तो क्या होगा, बाबा कहते अगर यही संकल्प हरेक कर ले तो विषय का परिवर्तन सहज ही हो जाएगा। क्या यह नहीं कर सकते हो, पूछ रहे हैं बाबा। मतलब कोई ना कोई प्लान बनाओ, नए वर्ष में कोई नया कार्य करके दिखाना, एक दूसरे को श्रेष्ठ भावना से सहयोग दो, किसी की गलती को नोट ना करो। मैं पीछे भी बताया ना कि कोई रॉन्ग कर रहा है तो खुद रॉन्ग नहीं करना, कोई गलती कर रहा है तो उसकी गलतियां नोट नहीं करनी है, लेकिन उसको सहयोग का नोट दो। कोई गलती कर रहा है उसको सहयोग से आगे बढ़ाओ, ये अंडरलाइन करें, सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, शक्तिवान बना दो ना, क्योंकि वो सब कौन है, हमारे सब भाई हैं,
तो कोई गलती कर रहा है तो उसको क्या करें, सहयोग दें और शक्तिवान बना दो। इसने यह किया, यह ऐसा करता, यह देखो ही नहीं और सुनो ही नहीं, नहीं तो अलबेलेपन के संस्कार पक्के हो जाएंगे। मामा कहती है जी यही सुनने लग गए कि ये ऐसा करता ऐसा करता तो क्या हो जाएंगे, अलबेलेपन के संस्कार के हो जाएंगे। दूसरे को देखेंगे, दूसरे की सुनेंगे तो स्वयं अलबेले हो जाएंगे। बाबा कहती है तो देखना ही नहीं है, तो क्या करना है, यदि कोई गलती करता भी है उसकी गलतियां ना नोट करें, उसे सहयोग का नोट दें और उन्हें सहयोग से भरपूर करें, शक्तिवान बनाएं, इधर उधर की बातें सुनकर अलबेले ना हो। आगे क्या बोला बाबा ने, समय के प्रमाण, अब व्यर्थ के नाम निशान को भी खत्म करो, ना व्यर्थ बोल, ना व्यर्थ कर्म, ना व्यर्थ संग। व्यर्थ संग भी समय और शक्ति खत्म कर देता है, क्योंकि तो व्यर्थ संग क्या करेगा, अपनी फालतू की बातें होंगी, तो हमारा समय का खजाना और शक्ति का खजाना क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि तो टाइम बहुत कम है। तो इस वर्ष कौन सा झंडा बुलंद करेंगे, कोई कितना भी आपके बीच कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी स्वभाव संस्कार का टक्कर दिखाई ना दे। बाबा कहते हैं कि कोई भी आपको ढूंढे कमियां कमजोरी, पर आपका क्या ना हो, स्वभाव संस्कार का टक्कर दिखाई ना दे। अगर आज सभी यह दृढ़ संकल्प करके व्यर्थ के रावण को जला दें तो क्या हो जाएगा, जैसे पिछले पैराग्राफ में बल बाबा ने बोला था समाने की शक्ति ना, तो समाने की शक्ति हो जाएगी तो विश्व का परिवर्तन सहज हो जाएगा। अब बाबा ने क्या बोला है, यदि दृढ़ संकल्प करें कि व्यर्थ के रावण को जला दें तो फिर क्या हो जाएगा, सच्ची दीपावली। ऐसी प्रतिज्ञा करो, अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, पर आपको क्या बनना है, अंडरलाइन करें, सेंट बन जाओ ना, क्या बन जाएं आप, सेंट बन जाओ, मतलब महात्मा, जैसे कोई कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हमें, कुछ भी कर रहा है कोई। कोई गलानी करे, आप फूलों की वर्षा करो, यह नहीं ऐसा कहा इसलिए ऐसा हुआ, उसने कुछ भी किया, अगर रॉन्ग भी किया तो आप राइट रहो। बाबा कहते वो तो चलो सामने वाला रॉन्ग है ही, बट उसको देख के हम रॉन्ग नहीं हो, क्या करें हम, राइट रहे। मानो किसी ने 10 बोला और आपने 1 बोला, तो कमल पुष्प तो नहीं हुए ना, बूंद तो पड़ गई ना। अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो। देखो बाबा कितनी बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं कि आपसे कोई टक्कर लेने आया तो हमने टक्कर नहीं लेनी है, उसे क्या करें, उसे अपने स्नेह का पानी दो, इससे क्या होगा, अग्नि समाप्त तो हो जाएगी। अगर कहते यह क्यों ऐसा क्यों, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, उस पर तेल डाल देते हो। क्यों क्या करेंगे, तो माना तेल डालना और स्नेह का पानी देंगे तो जैसे कि अग्नि को समाप्त कर देना। सदैव नम्रता का ड्रेस पड़ी रहे, यह नम्रता है हमारा कवच। कवच उतार देते हो, जहां नम्रता होगी वहां स्नेह और सहयोग अवश्य होगा। मामा कहती यदि नम्रता है तभी क्या होगा, स्नेह भी होगा और सहयोग भी होगा। जहां स्नेह और सहयोग है वहां तेल नहीं डालते, जहां प्यार हो एक दूसरे के साथ, सहयोग हो, तो वहां तेल नहीं डालते। तो हरेक क्या करेंगे इस वर्ष,
बाबा कहते एक तो क्या नहीं करना, रोंग को देख के रोंग नहीं होना, और व्यर्थ नहीं, व्यर्थ में नहीं जाना, क्या क्यों में नहीं पड़ना, नम्रता का कवच पहन के रखना है। आगे सुनेंगे, संस्कार तो भिन्न भिन्न रहेंगे ही ना, सबके एक जैसे तो मिल ना सके, लेकिन उन संस्कारों का अपने ऊपर प्रभाव ना हो। संस्कार तो बाबा कहते अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाएं यह इंतजार ना करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो। अंडरलाइन करेंगे कि किसी के संस्कार बदल जाएं, बाबा कहते यह इंतजार ना करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो। क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न हैं, दूसरा कोई ना कोई माया का रूप बनकर भी आते हैं, वो भी हमारा टेस्ट पेपर तो लेने आएंगे ना, यह तो खत्म होगा ही नहीं, लेकिन उसमें स्वयं साक्षी और कमल पुष्प के समान सेफ रहें। अंडरलाइन करें इस बात को कि जो संस्कार हैं दूसरों के, वो हमारे ऊपर प्रभाव ना डालें और उसका प्रभाव ना हो, तो उसके लिए क्या करना है। तो बाबा कहते एक तो स्वयं साक्षी और कमल पुष्प के समान सेफ रहें, यह तो कर सकते हो ना। बोलने वाला बोले लेकिन सुनने वाला ना सुने, सामने वाला बोल रहा है तो हम ना सुने, यह तो हो सकता है ना। मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर कोई भी बात का फैसला करो। बाबा कहते ये अंडरलाइन करें कि हर बात को मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर फैसला करें। संस्कार भिन्न भिन्न होते हुए भी टक्कर ना हो, भल सबके भिन्न भिन्न हैं पर टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल हो जाओ। जैसे बाबा ने बोला कि यह तो रहेंगे ही, किसी के तो अंत तक दासी के रहेंगे, किसी के राजा के रहेंगे, तो यह जब हमें नॉलेज मिल गई है तो फिर टक्कर नहीं होगी। जब कहते हो कि हम विश्व कल्याणकारी हैं ना, टाइटल दिया ना हमने सभी ने कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो बाबा कहते तो जरूर कोई अकल्याण वाले भी हैं, तब तो आप कल्याणकारी बनेंगे। दुनिया में सारी कल्याणकारी हैं तो फिर किसका कल्याण करने जा रहे हैं। बाबा कहते यदि विश्व कल्याणकारी हैं तो जरूर अकल्याण वाले भी होंगे, अगर अकल्याण वाले ही ना हों तो किसके कल्याणकारी बनेंगे। अगर कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसको परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो। अंडरलाइन करेंगे कि मान लो कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है, तो फिर बाबा ने बोला तुम हो तो विश्व कल्याणकारी, तो फिर हम क्या करें, वो ये समझें कि वो व्यक्ति परवश होकर कर रहा है, तो उसको रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो। डिस्कस नहीं करो, अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो अपना काम है पास करके चले जाना ना? तो अपना काम है पास करके चले जाना, या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाओ। पत्थर मारा तो क्या करें, पास करके चले जाना, या फिर क्या करो, उसको अपना साथी बनाकर पार ले जाओ। अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो खुद तो नहीं रुको, खुद चलते रहो, क्रॉस करते हुए चलते जाओ, चाहे कोई भी कैसी भी परिस्थिति पत्थर जैसी क्यों ना हो, बाबा कहते उसे क्रॉस करके चलते जाओ, रुकना नहीं है, यह अटेंशन चाहिए। बाबा ये टेंशन दिला रहे हैं कि रुकना नहीं है, इतनी हिम्मत रखनी है, उसे आगे चलते जाना है। अगर देखना है, बाबा कहते यदि रुकने का ही मन है, देखना भी कुछ है, तो विशेषता देखो, छोड़ना है तो कमियों को छोड़ो। ये अंडरलाइन करें, यदि हमें देखना है कुछ तो विशेषता को देखें और कमियों को छोड़ें।
संपर्क में आना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो विशेषता ही दिखाई दे, नहीं तो बाप को देखो, बाबा कहते। अब संपर्क में नहीं आएंगे तो कैसे सेवा होगी, यदि संपर्क में आ रहे हैं तो बाबा कहते एक दूसरे की क्या देखी, विशेषता देखो या फिर बाप को देखो, कमियां ना देखें। हरेक यही संकल्प ले कि हमें शांति की शक्ति की किरणें फैलानी है, तपस्वी मूर्त बनना है। अंडरलाइन करें, हमें क्या करना है, हमें हर एक बच्चे को संकल्प क्या लेना है कि हमें शांति की शक्ति की किरणें फैलानी है और तपस्वी मूर्त बनकर रहना है। एक दूसरे को मनसा से या वाणी से भी अब सावधान करने का समय नहीं है। अब मनसा शुभ भावना से एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ। बाबा कहते हैं अब बोल के कहने का, सावधान करने का टाइम नहीं है, अब क्या करना है, मनसा शुभ भावना से एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और दूसरों को शांत। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, शुक्रिया, थैंक यू। अभी 1 मिनट के लिए हम सभी बाबा को याद करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। ओम शांति। ये थी प्यारे बाबा की छोटी सी लेकिन बहुत धारणा वाली मुझे नम्रता रूपी कवच द्वारा स्नेह और शक्ति की प्राप्ति, जिसमें बाबा हमें मजबूत बनाते हुए सहनशीलता का पाठ पक्का करा रहे हैं। समाना और फिर शक्तिवान बनना, सहयोग देना दूसरों को, ना देख स्वयं को देखना, संस्कारों का मिलन करना, कोई कुछ भी कहे लेकिन हमेशा अचल अडोल स्थिर रहना, नम्रता का कवच धारण करना, जैसे पिता अपने बच्चों को बैठ करके समझाने देते हैं, तो शेयर कर सकते हैं मटकाउं। जी केजरीवाल बोलिए। ओम शांति। आज की ये जो छोटी सी वाणी है लेकिन इतनी पावरफुल है, उसमें बाब अगर ये वाणी ही हम जस्ट बाय हार्ट कर ले और इसके ऊपर धारणाएं कर ले तो हमारे 90% व्यर्थ खत्म हो जाएंगे। मैं तो कहूँ 99.9%। यहाँ बाबा ने तीन एस्पेक्ट्स लिए हैं जो हमारी कमजोरियां हैं। एक लिया है कि अगर कोई गलती करता है तो क्या होता है हमारे डेली लाइफ में, हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स जो भी जिनके साथ हम रहते हैं, संपर्क संबंध में आते हैं,
तो सबकी गलतियों को, स्वभाव के कारण या संघ के कारण गलतियों को देखते हैं, तो उसके ऊपर क्या करना है? हम राइट साइड रहे हैं और प्रभाव में नहीं आए, सिर्फ अपने अपने को समाने की शक्ति यूज करके हम वो सिचुएशन संभाल ले और सिर्फ शुभ भावना का सहयोग दे दे। फिर दूसरी एस्पेक्ट लिए बाबा ने यहाँ व्यर्थ के लिए, तो व्यर्थ के लिए भी बाबा ने संग संग और समय के शक्ति कैसे खत्म कर देते हैं वैसे बताया। तो हमें अपने फिर भी राइट साइड पर रहना है और सेंट बन के रहना है। अगर कोई इंसल्ट भी करता है, व्यर्थ सुनाता है, गाली देता है, वो सब व्यर्थ है, तो वहां सेंट बनकर रहना है और नम्रता का कवच पहन लेना है और स्नेह सहयोग की शक्ति देना है। तीसरा एस्पेक्ट बाबा ने लिया है संस्कारों के ऊपर। हम सब के जीवन में स्वभाव संस्कार की टक्कर आती ही आती है, चाहे संगठन में है, चाहे नहीं है, चाहे घर पे रहते हैं या सेंटर पे रहते हैं। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि नॉलेजफुल हो जाओ और अपने को साक्षी और कमल पुष्प के समान सेफ रखो, न्यारा रखो। तो अगर ये तीन धारणाओं के ऊपर ही आज हम ले लेते हैं, तो बाबा कहते देखना है तो सिर्फ बाप को देखो या विशेषताओं देखो बच्चों की, या तो छोड़ना है तो अपनी कमियों को छोड़ो। तो ये बहुत 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 पावरफुल वाणी आज बाबा ने बताई। ओम शांति। थैंक यू बाबा। तो ये तीनों ही चीजें जो सिस्टर ने शेयर की, उसके बाद बाबा ने तपस्वी मोड कहा नीचे, मैं टाइटल दिया तपस्वी मोड। तो तपस्वी मोड क्यों कहा बाबा ने, कि तपस्वी कौन होता है जो अपने स्व स्थिति के आसन पर बैठा हुआ होता है और एक ही की लगन में मगन रहता है। तो जब हम संपर्क में आते हैं, स्वभाव संस्कारों में आते हैं, संगठन में आते हैं, या सर्विस के कारण कहीं पर कांटेक्ट में आते हैं, तो उसके अंदर हम जब देह को देख लेते हैं ना, माना हम अपनी ओरिजिनल स्थिति को छोड़ देते हैं, तो हमें सामने वाली आत्मा में भी कमजोरी नजर आने लग जाती है, कमियां दिखाई देने लग जाती है, फिर जो देह के संस्कार है वो भी टक्कर आते हैं। तो सारा कारण यहाँ पर है कि हमारा तपस्वी स्वरूप हट करके हम क्या बन जाते हैं, कुछ और तो नहीं बन जाते हैं। इसीलिए तपस्वी मूर्त का स्वरूप हमें याद रखना है, मैं कौन, तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा, ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि नम्रता का कवच पहन लो, कि हमारे अंदर दूसरे के प्रति नम्रता नहीं होती है तभी हमको उसकी बुराइयां भी दिखती हैं। नम्रता हो, प्रेम हो किसी के लिए, तो हम उसकी बुराइयां नहीं देखते, उसको हम समा लेते हैं, उसको फैलाते नहीं है तो बढ़ाते नहीं है। ये बहुत अच्छा लगा कि नम्रता का कवच पहन लो। ओम शांति। सही था बहन, मोनू बहन आप बोलिए। अभी जब से ये बताया कि तपस्या मूर्त बनना है हमें, तो तपस्या कभी भी त्याग के बिना नहीं होती है। जहाँ त्याग होता है ना, वहीं तपस्या होती है। तो त्याग किसका करना है, मैकपन का त्याग, अहंकार का त्याग। मतलब कोई हमें कुछ बोल रहा है तो हमारे अंदर इतनी ताकत हो कि मुझे बाबा की कही हुई श्रीमत पे चलना है, बाबा ने बोलना है तुम्हें किनारे करके निकल जाना है, कोई पत्थर अगर पड़ा हो बीच में तो उसे तोड़ना नहीं है। नम्रता का कवच पहन के उस सिचुएशन को शुभ भावना शुभकामना से पार करना है। शांति, क्योंकि त्याग क्या है, देह भान का त्याग, वही बात है ना, कि जब स्व स्थिति है तो देह भान कौन, त्याग देह भान का, फिर स्व स्थिति का आसन, तो तपस्वी मोड, और फिर आत्मा अपने ओरिजिनलिटी में है तो उसको किसी की कमियां दिखती नहीं, फिर उससे शक्तियां, और उसकी जो स्वधर्म में अगर आत्मा टिकी है, और स्वस्थिति में ना स्वधर्म में टिकना, तो स्वधर्म से शांति की किरणें स्वतः ही फैलेंगी, तो सारा मदार आ जाता है अपनी स्थिति पर, है ना। तारा बहन आप बोलिए। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने व्यर्थ के ऊपर बोला है कि जब हम किसी से हमें टक्कर नहीं करना है, अपने बोल कर्म और व्यर्थ संग
किसी से नहीं करना। और बाबा बोले कि जब कोई हमें गाली देता है या कोई हमें इंसल्ट करता है तो उस समय हम सेंट बन जाए, लेकिन हम कभी कभी जब कोई 10 बोल रहा हम चुप रहते हैं, फिर एक बात भी बोल देते ना, तो बाबा बोलते हैं कि एक माना कि जैसे हम एक बूंद डाल दिया, तो जैसे कि हम तेल छिड़क दिए उसके ऊपर। तो बाबा यही बोल रहे हैं कि टक्कर नहीं लो, स्नेह का पानी डालो, उसमें तेल नहीं छिड़कना है हमको। क्या क्यों करेंगे, तो माना जैसे हम एक तेल छिड़क दिए। तो फिर बाबा बताए कि नम्रता का कवच पहनो और ये कवच को उतारो नहीं, स्नेह और सहयोग अवश्य, जी तब हमें स्नेह और सहयोग उनको दे करके उनको भी सहयोग उनको भी सही रास्ता दिखाए। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम ओम शांति। हाँ, बाबा बोला যে হর এক এই সংকল্প লেকি আমি শান্তিকে শক্তিকে কিরণে ফেলাতে হয়, তপস্বী মূর্ত বন কর রওনা হয়, এক দূসর কো মনসবা বাণী সেও অব সাবধান করনে কা সময় নহি, আপ মনসা শুভ ভাবনা সে এক দূসর কো সহযোগ বন কর আগে বড় এবং বাড়াও। ওম শান্তি। तो कोई कुछ भी कहता रहे, हम चुपचाप सहन करते रहे हैं से। आज की मम्मी से क्या समझ में आता है, प्रश्न नहीं उठता आपके मन में कि समाना हर बार समाते ही जाए, किसी का स्वभाव संस्कार बहुत ज्यादा हमें परेशान कर रहा है, तो भी क्या समझते हैं समाना, सामना करना क्या जी जी चीज ओम है। शांति दीदी जी। तो एक अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने कहा है कि कोई भी आपको एक गाली भी दे रहा है अभी संगम युग पे और आप उसको सहन करते हो, तो एक गाली के बदले उसको आपको कई पुष्पों के हार चढ़ाने पड़ेंगे। तो आप जितना सहन करोगे, जितना आप समाओगे, आप उतने बाबा के ज्ञान को के स्वरूप में आओगे। और जितना हम टॉलरेट कर रहे हैं जो हमको गाली दे रहा है, उन्हें तो मालूम है ना वो सही है कि गलत है, उतनी हम बाबा की सेवा कर पाएंगे। जो हम हैं ब्रह्मा कुमारी, हम में ज्ञान है, क्योंकि हम भी तो ऐसे जड़ थे ना पहले, हम में जो वो परिवर्तन देखेंगे तो हमें बोलना नहीं पड़ेगा कि आप हमारे सेंटर पे आओ, हम आप हमारा ज्ञान फॉलो करो। वो आपे आप उसको रियलाइजेशन तो होती है ना, क्योंकि वो भी मनुष्य है, जनावर को भी होती है कि हमने ये गलत किया है, वो भी भौंभौं करना बंद कर देते हैं डॉगीज। तो ये तो इंसान है। और जब मैंने ये पढ़ा ना कि कोई भी आपको एक भी गाली देता है उसके बदले उसको कई पुष्पों के हार आपको चढ़ाने पड़ेंगे, तो वो पढ़ के ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो फिर अभी कुछ भी होता है ना, मैं एकदम साइलेंस अपने आप को वो मूर्ति समझती हूँ, मेरे पे वो आरती हो रही है, प्रसाद आया है और फूलों की हार आई हुई है। तो उस हिसाब से डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन ये महावाक्य बहुत हेल्प हो रहा है। ओम शांति। शुक्रिया। ऐसे ब्राह्मणों के लिए कोई साधारण काम करना ब्राह्मण पना थोड़ा कहलाया जाएगा, वो कार्य जो कोई नहीं कर सकता वो ब्राह्मण करे तब महानता के लायक बनता है। लेकिन कभी कभी हमारे घर में ही ऐसी आत्माएं होती है, चलो ये तो ठीक है आप बाहर की आत्माओं की बातें कर रहे हैं, लेकिन समटाइम्स कुछ आत्माएं हाथ भी उठाती है, केवल गाली की बात नहीं है, तब तब क्या। नीलम बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा हमें अपना समर्थ हाथ जो है हमारे सिर पर रखा हुआ है, तो कुम्हार जब मटका बनाता है तो वो अंदर से हाथ देता है, वो ऊपर से चोटे मारता है। तो ये प्रैक्टिकल है कि जब हम बाबा के साथ अपनी स्थिति में स्थित रहते हैं, सम्मान की स्थिति में स्थित रहते हैं, तो बाहर की जो चोटें हैं ना, वो चोटें नहीं नजर आती, वो ऐसे लगता है जैसे कि हल्के फूल हैं, कि कभी बादल आए थे, आए और चले गए, आंधी आई थी और चले गए। तो इस प्रकार जब हम अपना व्यू ही चेंज कर लेते हैं, तो वो हमें इतना सहन करना भी नहीं पड़ता, और हमें नम्रता रूपी जो बाबा ने कवच दिया हुआ है, वो तो हमने धारण किया ही हुआ है। तो इस तरह हमारी जो वृत्ति है ना, वृत्ति ही परिवर्तन हो जाती है,
क्योंकि हमारा फेस इम्प्रेशन ही ऐसा हो जाता है कि उनको अगलों को लगता है कि अरे इनको तो इतना कुछ कह भी दिया तब भी ये दोबारा हमें मिले हैं, तो उन्होंने अच्छा प्यार से नमस्ते गुड मॉर्निंग इससे किया। तो इस तरह हमारा जो व्यवहार है वो प्रत्यक्ष करता है बाबा की प्रेजेंस का। ओम शांति। वंदना मैं ना बोली। ओम शांति बहन। बाबा कहते हैं राजा, समय के प्रमाण अब व्यर्थ का नाम निशान ही खत्म कर दो। व्यर्थ ना बोलो, ना व्यर्थ सुनो, व्यर्थ कर्म करो। व्यर्थ संगम से अपना शक्ति और टाइम भी वेस्ट होता है, खत्म। तो वो करना नहीं है, यही एजेंडा ये साल में, ये वर्ष में रखो। बोलते बाबा एजेंडा है उसका बुलंद कर दो। व्यर्थ है तो इतना सारा टाइम अपना वेस्ट, कोई आया जैसे कोई बात करी तो 10 बातें चलती है उसके ऊपर। जैसे उनको कैसे कट करना है ये हम युक्ति सोचनी है, तभी बता देना है। कुछ न कुछ एक बहाना बन के उनको कम करना है वो बातें उसे। व्यर्थ से व्यर्थ में बहुत सारा लंबा लंबा 2-2 घंटा भी लग सकता है। किसी का फोन पे व्यर्थ हो चलता है, किसी का ऐसे आते आया लो बोलते फिर दूसरा कुछ चालू होता है। तो इससे हम बहुत बहुत ट्राई कर बचाव करें। ओम शांति। वैसे जितना समय फास्ट चल रहा है ना, उस हिसाब से और ये व्यर्थ का हिसाब किताब भी, इनको व्यर्थ की मशीनरी, व्यर्थ के हाँ रिजल्ट की मतलब मशीनरी फास्ट चल रही है। ये अभी कभी हम ऐसा सोचते नहीं, लेकिन आके ऐसा होता है। तो हमें वो अपनी युक्ति से उसके उसको समझना पड़ता है। और उन्हें ऐसा भी नहीं लगे कि अरे हम उनकी सुन रहे नहीं है, उनको भी अच्छा लगे कुछ एक बात बोल के और एक चेंज करके। यार अपना बहाना कुछ बनाए, काम आए और कुछ कुछ बोल के ऐसे कर सकते। ये युक्ति से हमें बचना, अपने आप को बचाना। जी शुक्रिया। किस किस को ऐसा लगता है कि आज के मुरली में बाबा ने जो बात कही वो सिर्फ मेरे लिए कही? किस किस को ऐसा लगता है कि तो ऐसे सब कम बाबा से हमें मेरे लिए कह रहे हैं कि ये सब बातों से बचो। हैंड रेज कीजिए एक बार, जिन जिन को लगा कि ये बात सिर्फ मेरे लिए कही, बाबा आज मुझे देख रहा था, बाबा की नजर मुझ पर थी, या आज मैं बड़ा उदास परेशान थी और बाबा ने मेरी हेल्प की, बाबा मुझे समझाने देने के लिए आए, कितना प्यार करता है वो मुझे, मेरा कितना ख्याल रखता है वो, मेरी तकलीफ को देख ना सका और थोड़ा थोड़ा चिल्लाया मुझे समझाने। है ना? तो चलो 1 मिनट के लिए हम ऐसे प्यारे बाबा का जो समय पर साथ निभाता है, संकल्पों को भी समझ जाता है, कहने को भी जरूरत नहीं पड़ती, जिसे वो खुद प्रॉब्लम सोल्व करने सेकंड में आ जाता है, उसको दिल से धन्यवाद करते हैं। 1 मिनट साइलेंस लेते हैं और सभी दिल से बोलेंगे, ओ नीचे प्यारे बाबा, ओ मेरे मन के नीच, ओ मेरे प्राणों के प्राण, हर सेकंड हर संकल्प साथी बन, हर परिस्थिति में मेरा साथ निभाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद पापा। शुक्रिया नीचे पापा, आपका ये साथ मेरे निश्चय को और अधिक भरा देता है। ऐसे ही साथी बन सदा मेरे साथ रहना बाबा।
ओम शांति। लॉर्ड हम करिए तो बहुत अच्छा लगता है ना जब बाबा हमें गाइड करने के लिए आता है। इसीलिए रहमदिल बाप के बच्चे, हमें रहमदिल बनकर चलना है, तो उसके दिल पे भी चढ़ेंगे। और कौन सा पॉइंट रह गया आज की मूवी में तो डिस्कस करना है? जी दीदी, मैं एक पॉइंट शेयर करूं। जब आप सहन कितना कर सकते, जब आप पूछे थे, हाँ जी तो जी बोलिए। दीदी, तो जैसे एक था जो कितना जो गाली देते हैं वो कितना फूल बरसाते हैं ना, वो इतनी सुंदर पॉइंट थी। और दूसरी ये भी हम देख सकते हैं कि जब वो गाली देते हैं तो जैसे वो मूर्ति जब बनती है ना, तो उसके ऊपर कितना वो ठोकते हैं तब अच्छी से सुंदर से मूर्ति बनती है। अगर वो हम सह लेते हैं तो हम इतनी सुंदर मूर्ति बन जाते, अगर सह नहीं पाते तो केवल हम फुटस्टेप्स पे हमें यूज करते हैं मंदिरों के। तो ये भी कि हम अपने को सोचे कि हम मूर्ति बन रहे हैं, हम मंदिर के फुटस्टेप्स नहीं बनते हैं, तो इससे हम इजली सहन कर सकेंगे। ओम शांति। अगर हाँ जी कुलदीप भाई पहले आप बोलिए। हाँ जी, ओम शांति दीदी। दीदी, जब ये प्रैक्टिकल में इस तरह की परिस्थिति आती है तो जैसे जब हम ज्ञान में आते हैं तो चलो ये समझ तो आ जाती है हमें कि सहन करना है, सहन भी करते हैं, महात्मा सेंट भी बन जाते हैं उस टाइम। लेकिन होता क्या है कि मतलब जब हम उसके पश्चात जो है हम अपने व्यर्थ में ही चले जाते हैं, वो व्यर्थ कैसे खत्म करे, मतलब हमारे को पता है कि सामने वाली आत्मा गलत है और ये व्यर्थ ये चल पड़ता है कि हमने मतलब गलत को क्यों सहन किया। कई बार इस तरह की दिक्कत आ जाती है, तो उसको व्यर्थ कैसे खत्म करे, ये है प्रश्न। हमारी आत्मा स्वयं भी कई बार ये उसमें आ जाती है कि हम उसको मतलब उसका सामना तो चलो नहीं, लेकिन हम उस सामने वाली आत्मा को कैसे हैंडल करें कि वो नेक्स्ट टाइम इस तरह की दिक्कत क्रिएट ना हो। बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपका। जब हम सहनशील की बात करते हैं ना, तो सहनशील का अर्थ ये नहीं होता कि सामने कोई भी आत्मा कुछ भी बोल रही है और हम अपने मुंह पर चुप लगा ले, लेकिन मन क्या करता रहता है, चलता रहता है। अब सहनशीलता का पूरा अर्थ समझना है। ये सहनशीलता का अर्थ होता है क्षमा भाव से उस बात को गहराई में जाकर के समझना और उस आत्मा के प्रति रहम की दृष्टि रखना। सबसे पहले जो भी आत्मा जैसा भी आपके साथ कर रही है उसके प्रति क्षमा का भाव, जाने कैसे कैसे कर्म करके वो आत्मा आई है, कैसे कैसे उस आत्मा ने अपने अंदर रावण के संस्कारों को भर लिया है, कितना उसको उसके ऊपर हिसाब किताब चढ़ा हुआ है, कितना वो सफर कर रही है, उसकी जर्नी को देखो, उसके तीनों कालों को देखो, उसके लिए त्रिकालदशी स्थिति में स्थित हो, तब उस आत्मा के प्रति रहम आता है। और जब हम रहम की भावना से गहराई में जाते हैं कि ये आत्मा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, तब हमारे अंदर उस आत्मा के प्रति क्षमा भाव होता है, मतलब उसको माफ करो, रहम का भाव रखो, तब उस बात को फुल स्टॉप लगा देना। इसको बोलते हैं सहन, सहन कर लेना। यू नहीं कि सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, अब 9 बार सहन कर लो, पिछली बार नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्षमा तो किया ही नहीं ना उस आत्मा को, रहम का भाव तो रखा ही नहीं ना उस आत्मा के प्रति। तो अपनी चेकिंग भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। सहनशील कौन होगा? जो उस आत्मा को भी, सामने वाली आत्मा को भी अपने स्वभाव संस्कारों से शीतल बना देगा। सहनशील कौन होगा? जो बात की गहराई में जाएगा। हाँ, वो किसी भी बात से घबराएगा नहीं, जैसे सागर के तले में जाते हैं तो रत्न लेके आते हैं ना, ऐसे ही जो सहनशील होते हैं ना, वो गहराई में जाते हैं
जब गहराई में जाते तो शक्ति की प्राप्ति होती है, और वो शक्ति वो सहनशीलता की शक्ति कहलाती है। केवल सहनशीलों के सहन कर लिया, लेकिन सहनशीलता की शक्ति चाहिए ताकि उस चीज को हम आगे भी कंटिन्यू कर सके, नहीं तो फिर वो व्यर्थ चिंतन चलता रहेगा, क्योंकि लेट गो करना आया ही नहीं बात को, आत्मा को क्षमा करना आया ही नहीं है। तो हर बात की गहराई में जाना बहुत जरूरी होता है। जब हम गहराई में जाएंगे, मनन चिंतन करेंगे, तो शक्ति मिलेगी, और शक्ति करने मिलने से उस आत्मा को क्षमा करना, उसके प्रति रहम की दृष्टि रखना इजी हो जाएगा, और फिर हम साक्षी होकर के स्थिति को देख पाएंगे। सहनशील आत्मा की निशानी होती है साक्षी भाव रखना। अगर आप कहते हो कि मैंने 10 बार सहन कर ली है इस आत्मा की, तो क्या आपने इस ड्रामा की सीन को साक्षी होकर देखा? क्या आप न्यारे प्यारे रहे, किसी बात के इफेक्ट में तो नहीं आए? अगर आप इफेक्ट में आए, माना आपने सहन नहीं किया। हाँ, तो सहनशीलता का बहुत गहरा अर्थ है, साधारण नहीं है। जी जी अच्छा, मंजू मैम, आप योग कराएंगे और होमवर्क भी देंगे, टाइम हो गया है ना? भाई जी, समझ आया है या फिर और क्लियर करें? नहीं जी ठीक बिल्कुल सही बोला आपने ना, मतलब ये हमारे को साक्षी दृष्टा हो के मतलब उसकी जर्नी को भी देखना होगा, तब रहम आ जाएगा उस पर ना, कि अब वो किस तरह के संस्कार लेकर आई है। तो वो जब इस तरह के रहम की दृष्टि होगी तो हमारा व्यर्थ खत्म हो सकता है। ये प्रैक्टिकल परिस्थिति के अनुसार ही हाँ, हम इस तरह के प्रैक्टिकल करके ये ये खत्म होगा। बात तो हमें अपने ही जीवन के अनुभव से आपको बताते हैं कि जैसे कभी कभी निमित्त बहने होती हैं, उनको देख करके कि भी हमारे कोई ना कोई संकल्प चलने लग जाते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर, तो जब गहराई में जाकर सोचा जाता है ना, उस समझ में आता भगवान के स्थान पर ये आत्मा नियुक्त हुई है, बाल ब्रह्मचारिणी आत्माएं जिन्होंने अपना जीवन केवल विश्व कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है, उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारियां हैं। हम अपने घर में एक ही बात सुनते हैं, दो की बात सुनते हैं, चार की बात सुनते हैं, सेंटर पे कितनी सारे बहने भाई आते हैं, दीदी सबको सुनती है, सबके संस्कार स्वभाव को ओतती है, उनको नरिश करती है, उनको ज्ञान देती है, उनका जीवन परिवर्तन करती है। अगर फिर किसी दिन कुछ जरा सा कह भी दिया, तो उसको सहन करना, समा लेना, ये हमारे भीतर आ जाना चाहिए। तो जब हम गहराई में जाते हैं ना, तब ये चीज समझ में आती है, उनका त्याग तपस्या में दिखाई देती है। लेकिन जब हम गहराई में नहीं जाते, बस उसने ये बोला ये सोच करके, चलो ठीक है बोला तो हम सहन कर लेते, जैसे तो हम उनपे एहसान कर रहे हैं। लेकिन नहीं, हमें खुद को गहराई में जाकर खुद के ऊपर एहसान करना है, खुद के ऊपर तरस खाना है कि मैं किस आत्मा के प्रति कैसा बिहेव रखूं जो मेरी स्थिति खराब ना हो, है ना हाँ जी 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 दीदी जी? मंजू मैम, स्टार्ट हाँ कर जी सकते? शांति, कल का होमवर्क हम नोट करेंगे कि एक तो नम्रता का ड्रेस पहन के रखेंगे, नम्रता का कवच, और संस्कारों के टक्कर में नहीं आएंगे, और जब भी देखना है तो विशेषताओं को देखेंगे। और शुभ भावना देंगे। यूं तो सारी मुरली ही हमारी एक एक पॉइंट जो है नोटेबल है, पर फिर चलो कुछ पॉइंट्स हम धारण करेंगे। नम्रता की ड्रेस को धारण करके रखेंगे, व्यर्थ से दूर रहेंगे और संस्कारों की टक्कर में नहीं आएंगे, और हर एक की विशेषता को देखेंगे और शुभ भावना देंगे। तो अभी योग कितनी देर तक, 5 मिनट्स करना है? जी हाँ जी, ओम शांति।
हम इस मान में टिकेंगे कि मैं आत्मा निमित्त आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। जैसे बाबा ने हमें राज योग सिखाकर राज ऋषि बनाया है, ऐसे हमें तपस्वी मूर्त बनकर रहना है। कल्याणकारी बाप की मैं कल्याणकारी बच्चा हूँ। सभी हम चलते हैं विषव के गोले के ऊपर, बाप दादा के साथ। खड़े होते हैं और मैं आत्मा बाबा से शांति की किरणें लेकर पूरे विषव के गोले पर फैला रही। और अभी हम शक्ति की किरणें लेकर पूरे विश्व के गोले पर फैला रही हूँ। सर्व आत्माएं शांति और शक्ति की किरणें को पाकर बहुत सुख का अनुभव कर रही हैं। ऐसे हम कंटिन्यूअसली बाबा से किरणें लेते जाएंगे और सारे विश्व के गोले पर सर्व आत्माओं को देते जाएंगे। सर्व आत्माएं जो दुख और अशांति में बाबा को पुकार रही हैं, वो इन किरणों को प्राप्त करके सुख का अनुभव कर रही हैं। ऐसे ही हम साकार में भी सर्व आत्माओं के साथ कार्य व्यवहार करते हुए उनको हर बात में सहयोग देते हुए, शक्ति देते हुए आगे बढ़ाते जाएंगे। शुभ भावना देते हुए हर एक आत्मा को आगे बढ़ाते जाएंगे। किसी की भी कमजोरियों को देखकर उसका वर्णन नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें सहयोग से भरपूर करेंगे। खुद के भी संस्कार को परिवर्तन करेंगी।
किसी के संग के रंग में नहीं आएंगे। और साक्षी और कमल पुष्प के समान सेफ रहेंगे। ऐसे में आत्मा विश्व कल्याणकारी सब पर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करेंगे। ऐसे मीठे बाबा को पद्मा पद्मवार शुक्रिया जिन्होंने हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया। हमें जीवन में कितना अच्छा चलना सिखाया। हम बड़े प्यार से बाबा को गुड नाइट करते हुए कॉल को समाप्त करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। गुड नाइट बाबा।